हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैं अल्टा वड़ा पाव बनाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, चलो चलते बनाने की ओर। यूनिक तरीके से हम लोग बनाएंगे। जिसके लिए आलू मसाले के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, जिसके अंदर मैंने राई डाल दी थी और थोड़ा सा है ना पिंच किया हुआ हमारा हींग, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और ऐसे ही लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। उसके बाद मैं 1/4 चम्मच ना हमारी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने हमारे आलू को अच्छे से उबाल लिए थे, उसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे अच्छे से कंसिस्टेंसी हो चुके है। उसके अंदर हम लोग नींबू का जूस डालेंगे, कड़ी पत्ता और हमारा पुदीना, जिसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिश्रण के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। अब बेसन का बैटर बनाने की ओर चलते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया था, जिसके अंदर मैंने चावल का आटा डाल दिया, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और नमक, जिसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। चावल का आटा स्किप ना करें, क्योंकि चावल के आटे से हमारे वड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद हम इसका बैटर बना लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे, हमें ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना है। उसके बाद अभी हम चलते हैं हमारे पाव की कटिंग के लिए, मीन्स अल्ट्रा पाव बनाने के लिए। जिसके लिए मैंने पाव लिया था, जिसे 2 हिस्से में हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद मैं हरी चटनी और थोड़ा सा है ना चटनी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं आलू की स्टफिंग बनाएंगे, उसको स्पंज करके हम लोग ना अच्छे से दबा लेंगे। फिर उसके बाद हम बेसन के घोल में से डाल देंगे और इसे अच्छे से हम लोग तल लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा तलने का स्टाइल, ये यूनिक तरीका है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के हम लोग पकाएंगे। और ये रेसिपी मैंने हर्बल किचन से ली थी। ये हर एक ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप सभी के लिए यूट्यूब से बहुत ढूंढ के रेसिपी लेकर आती हूँ।